पश्चिमी चंपारण के बड़ा रमना के मैदान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रैली में बहुत सारी भीड़ देखने को मिली। बेतिया से श्वेता सिंह नेपाली, जो जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिन्ह कैंची छाप से लड़ रही है, उनके लिए वोट मांगने आए पप्पू यादव, जो विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बहुत सारी जनता से वादे किए, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम शिक्षा को फ्री कर देंगे और गुंडागर्दी को समाप्त कर देंगे, बलात्कारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पप्पू यादव का सगा ही क्यों न हो। हमारी पार्टी सत्ता में आते ही शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री कर देगी, किसी को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन दिया,
उसके बगैर हम सबके जीवन अधूरा। मैं आग्रह करूंगा ये बेटी आपसे कुछ लेगी नहीं, आपको देगी, सबको देगी, ये घूस नहीं लेगी, ये जीवन में कुछ नहीं लेगी। पिताजी ने चाइना को पछाड़ा, ये इनके पिताजी ने पूरे चाइना को पछाड़ा और ये बेटी यहाँ से दंगाई और जातीय उन्माद को उखाड़ करके फेंकेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। भरोसा यदि पप्पू यादव पर हो, लगे कि नहीं पप्पू यादव आपका भाई है, सगा भाई है, बेटे की तरह है, पप्पू आपका खून है और पप्पू आपकी जिंदगी बदल सकता है। पप्पू जीवन में दंगा नहीं होने देगा, मर जाएंगे, जिस दिन दंगा हो गया उस दिन पप्पू यादव अपने आप को मार दे, मैं आपको कहते जाओ भरोसा करना। आते ही निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करेंगे, आते ही सच्चा कमेटी को लागू करेंगे।